दे दो। वो कुलदीप सेंगर को नहीं दी जाएगी, इस आन में रखिए। उन्नाव के इतने बर्बर घटनाक्रम के बाद, एक घटना नहीं, कईयों की मौत के कगार पर उतारे गए तब भी, पर वो हैदराबाद के वो चार गरीब दलित परिवार के युवाओं को एनकाउंटर की सजा दी जाएगी और निर्भया के बलात्कारियों को भी फांसी की सजा दी जाएगी। ये तो फिर हिंसा को मंजूरी देने की बात है। मानवीय अधिकार होते हैं, इसको ये ताड़ तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम लोग हिंसा का जवाब अहिंसा से ही देंगे, तभी ये हिंसा मिटेगी। आज कोई बच्चा आने वाला अहिंसक होगा कि नहीं, इसके बारे में शक है सब माता पिता उनके मन में, क्योंकि वो सब जगह हिंसा देख रहा है। अगर कोई बलात्कारी साबित हुआ तो उसको भी फांसी की सजा दे दो। जंतर मंतर का वो माहौल देखकर भी मुझे बहुत ही दर्द लगा। आप में से भी कई कहते होंगे कि फांसी की सजा दे दो। वो कुलदीप सेंगर को नहीं दी जाएगी, इस आन में रखिए। उन्नाव के इतने बर्बर घटनाक्रम के बाद, एक घटना नहीं, कईयों की मौत के कगार पर उतारे गए तब भी, पर वो हैदराबाद के वो चार गरीब दलित परिवार के युवाओं को एनकाउंटर की सजा दी जाएगी और निर्भया के बलात्कारियों को भी फांसी की सजा दी जाए। ये तो फिर हिंसा को मंजूरी देने की बात है। नशा में कोई कुछ करता है वो एक बात होती है, सोच समझकर राज्य, the omnipotent state, अगर मौत के घाट उतारती है जीते जागते किसी भी इंसान को, हमको ना मंजूर है। मुझे लगता है नारीवादी सोच के तहत फांसी की सजा जो 146 राष्ट्रों ने अब खत्म कर दी है, ये कहकर कि ये पाशवी है, ये बारबरिक है, ये हमें मंजूर नहीं है, भारत में भी फांसी की सजा के खिलाफ भी मुझे लगता है जिस कौम को हिंसक माना जाता है, आतंकवादी माना जाता है, उन्हीं ने, और जब मुस्लिम नारियां सामने आई है तो उनके नेतृत्व में ये भी लड़ाई हमको लड़ने का मौका है, हमने लड़नी चाहिए कि किसी भी प्रकार की हिंसा हमें मंजूर नहीं है। आजीवन कारावास दे दो, सश्रम कारावास दे दो, लेकिन फांसी की सजा नहीं।